नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे टाटा स्टील और जीएसडब्ल्यू एनर्जी का फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टाटा स्टील, फिर जीएसडब्ल्यू एनर्जी। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटी स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी बाजार पर आपको लगातार अपडेट देता है और पल पल की खबर से आपको रूबरू कराता है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले टाटा स्टील। गौरतलब है कि टाटा स्टील का लाभ चौथी तिमाही में यानी फोर्थ क्वार्टर में 37% बढ़कर 9,835 करोड़ रुपये पहुँचा। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च सन 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही में 37% की उछाल के साथ 9,835.12 करोड़ रुपये पहुँच गया है। गौरतलब है कि मुख्य रूप से आय बढ़ने के साथ कंपनी का लाभ भी बढ़ा है और टाटा स्टील ने मंगलवार को शेयर बाजार को जो सूचना दी उसमें कहा कि एक साल पहले सन 2020-21 में जनवरी टू मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 7,161 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 9,835 करोड़ हो गया है। कंपनी की कुल आय सन 2021-22 में जनवरी से मार्च तिमाही में बढ़कर 69,615.70 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में मात्र 50,300.55 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, की ये था टाटा स्टील की फोर्थ क्वार्टर की खबर। दोस्त, गौरतलब है कि हमने आपको 2 से 3 महीने पहले ही टाटा स्टील के ऊपर नज़र रखने की सलाह दी थी। अब जीएसडब्ल्यू एनर्जी का शुद्ध लाभ बात कर लेते हैं। जीएसडब्ल्यू एनर्जी का शुद्ध लाभ जो फोर्थ क्वार्टर में 8 गुना बढ़कर 864 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 21-22 में चौथी तिमाही में 8 गुना होकर 864 करोड़ रुपये पहुंच गया है और आय में वृद्धि के साथ कंपनी का शुद्ध लाभ भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी माह तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 107 करोड़ रुपये का था और कंपनी ने यह भी कहा है कि बीते वर्ष की चौथी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ अब तक की किसी भी तिमाही की तुलना में सबसे अधिक बताया जा रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में यानी जनवरी मार्च में के मुकाबले ये 711% अधिक है। कंपनी की कुल आय आलोच्य तिमाही में बढ़कर 2,654 करोड़ रुपए हो गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में 1,614 करोड़ के रुपए थी, जो बढ़कर 2,654 हो गई है। वहीं पूरे वित्त वर्ष में 2021-22 में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ उछलकर 1,729 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 795 करोड़ रुपये था। जीएसडब्ल्यू एनर्जी के निर्देशक मंडल ने 10 रुपये के अंकित मूल्य के शेयर पर 2 रुपये यानी 20% का लाभांश भी किए देने की सिफारिश की है। दोस्तों, खबर मिल रही है कि 2 स्वतंत्र निदेशक रूपा देवी सिंह और सुनील गोयल की एक बार से फिर नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा निर्देशक मंडल ने 5 साल की अवधि के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रशांत जैन की पुनः नियुक्ति की मंजूरी भी दे दी है। जैन कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ भी हैं। तो दोस्तों, ये थी खबर टाटा स्टील और जीएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर। गौरतलब है कि हम आपको शेयर बाज़ार हो या फिर कमोडिटी बाज़ार, तिलन हो या दलहन, कपास हो या शुगर यानी चीनी, इन सभी पर लगातार अपडेट दे रहे हैं और ये सत्य भी साबित होती देखी जा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर और लाइक भी अवश्य कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।